गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास आज हमारे चैप्टर नंबर सिक्स जो हमने सबसे पहले जो चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं उनका रिवीजन हमारा ऑलरेडी हो चुका है यूटी में भी हमने किया था अब जो है हम चैप्टर नंबर सिक्स चेंज अराउंड अस से क्या करेंगे रिवीजन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर एंड कंसेप्ट को भी साथ में डील करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए चैप्टर का ही नाम क्या है चेंजेज अराउंड अस

आते रहते तो जितने भी चेंज होंगे जो भी हमारे चार ओर होंगे वो कैन नॉट बी रिवर्स सारे के सारे वापिस उल्टे नहीं हो सकते परिवर्तित नहीं हो सकते तो हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें कोई चेंज रिवर्स हो सकता है उनमें जैसे मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम है यदि आइसक्रीम को हम मेल्ट कर दे तो वो क्या हो जाएगी रिवर्स वापस जो है हम फ्रीज करके उसको आइस बना सकते हैं डिजोल्विंग ऑफ सुगर इन वाटर या हीटिंग ऑफ मिल्क मेल्टिंग ऑफ वैक्स तो ये सारे क्या है हमारे एग्जाम्पल है रिवर्स चेंजेस के जो वापस हमारे चेंज हो सकते हैं बट हमारे पास कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते यानी वापस उसी फॉर्म में या उसी अवस्था में नहीं आ सकते तो उनको हम क्या बोलेंगे नॉन रिवर्सिबल या कैन नॉट बी रिवर्स तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते जैसे कर्ड फ्रॉम मिल्क यानी दूध से जब हम दही जमाते हैं तो हमारा जो है दूध चेंज होकर कर्ड बन चुका होता है तो अब जो है हम कर्ड को यहाँ पे मैंगो तो तो एक, तो एक बार पक चुका है तो उसके बाद वापिस वो कच्चा नहीं हो सकता हार्डनिंग ऑफ पी ओपी तो प्लास्टर ऑफ पैरिस जो हमने क्लास में बोला था जो चाक के फॉर्म में एक पाउडर होता है यदि उसको हम जो है पेस्ट बना दे तो वापस उसका जो है दोबारा से ऐसा ही पाउडर नहीं बन पाएगा चेंज होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग ऑफ सीमेंट सीमेंट जब हमने वहां पे भिगो दिया तो उसके बाद वापस यदि उसको हम वहां पे पाउडर फॉर्म में ले भी आए तो सेम नहीं रहेगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो चुका होगा उसकी प्रॉपर्टी के अंदर तो उसके गुणों में या उसके विशेषताओं में कुछ ना कुछ क्या चुका हो, हो चुका होगा परिवर्तन हो चुका होगा यदि हम सेम हम लेके भी आते हैं उसका पाउडर तो उसमें क्या होगा चेंज होगा एज इट इज नहीं होगा ओरिजिनल जैसे थी इसलिए क्या होगा कैन नॉट बी रिवर्स बर्निंग ऑफ मैस्टिक हम माचिस की तिल्ली को जब जलाते हैं तो वो वापस कभी भी दोबारा तिल्ली सेम हमारी जो है पाउडर के साथ नहीं बनेगी तो ये सारे चेंजेस कैसे कैन नॉट बी रिवर्स परिवर्तनीय क्या है हमारे ये बदलाव हैं ये थे हमारे जिसमें परिवर्तन हो जाता है आइस एक बार पिघल जाए दोबारा जमा के हम आइसक्रीम बना सकते हैं शुगर जो है वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाए तो कुछ प्रोसेस है कि वाटर में डिजोल्व शुगर को हम जो है केमिकल प्रोसेस से क्या कर सकते वापिस रिमूव कर सकते हैं तो ये हमारे पास हमारे सराउंडिंग में दो टाइप के चेंजेस काउंट हुए पहला रिवर्सिबल एंड दूसरा नॉन रिवर्सिबल तो इसमें हमने दोनों को एग्जाम्पल लेके किया है जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इन चैप्टर में इनसे ही क्या रहेंगे बेस रहेंगे मेकिंग ऑफ चीज फ्रॉम मिल्क यानी हम जब दूध से पनीर बनाते हैं या आयरन के ऊपर जब जंग लगता है यानी रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ये भी हमारे एग्जाम्पल है जिसमें चेंज होता है और ये चेंज भी अभी दोबारा वापस नहीं आ सकते लोहे को एक बार जंग लग गया जो है मिल्क से हमारी पनीर बन गई तो वापस ना तो मिल्क बनेगा ना आयरन की प्रॉपर्टी सेम रहेगी तो इन्हीं कंसेप्ट को डील करेंगे और हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको आज हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे आपने इनको सभी को रिवाइज करना है अच्छी तरह से अपने कंसेप्ट को जो है क्लियर करना है और एग्जाम के लिए इनको क्या करना है लर्न भी करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन टू वॉक थ्रो आर वाटर लोडेड एरिया यू यूजन देंथ ऑफ यूर ड्रेस बाई फोल्डिंग इट कैन दिस चेंज भी रिवर्स तो हमने देखे क्लास में भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं अब हम इनको रिपीट रिवीजन में लेके चलें। कि जब हम किसी पानी भरे हुए एरिया में से निकलते हैं तो अपनी पैंट को हम मोड़ के जो है छोटा कर लेते हैं अपनी ड्रेस को क्या वो चेंज रिवर्स हो सकता है तो देखिए आप सोचिए खुद ही पैंट यदि हमने फोल्ड किया तो वापिस हम उसको क्या कर सकते हैं अनफोल्ड यानी खोल के वापिस उसी लेंथ में हम लेके आ सकते उसमें कोई चेंज नहीं दो इट इज रिवर्स चेंज होगा यस हम उसको सेम पोजिशन में लेके आ सकते हैं जो फोल्ड करके हमने छोटी की थी उसको वापस हम खोल के अनफोल्ड करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि हम छोटी पैंट मुड़ी को वापस सेम पोजीशन में लेके रिवर्स चेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चन टू कह रहे हैं कि आप एक्सीडेंटली आपका जो फेवरेट जो टॉय है वो ब्रोक हो जाता है उस चेंज को आप कैसा कहोगे क्या आप उसको चेंज कर सकते हो या आप उसमें चेंज चाहते हो और चेंज होगा तो क्या वो रिवर्स हो सकता है नहीं एक बार आपका जो खिलौना है यदि वो प्लास्टिक का है या किसी भी चीज का बना है यदि वो टूट जाए तो उसका फिजिकल जो अपियरेंस है उसका भार का जो बना रहा था वो बिल्कुल चेंज हो जाता है इसलिए हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते टूटे हुए खिलौने को हम वापस उसी पोजीशन में ज्वाइन करने पे भी नहीं लेके आ सकते बीच में जो हमारे क्रैक तो मिलेंगे मिलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा रिवर्स नहीं होगा क्वेश्चन थर्ड कराए Some changes are listed in following table. ये हमारे टेबल में कुछ चें भी सोल्व की हम तो रिविजन करें इन क्वेश्चन का ताकि आप घर बैठ के इनको जो है अच्छी तरह से अपनी डेली होमवर्क के अकोर्डिंग एक एक चैप्टर को क्या कर ले लर्न कर ले ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इनमें देखिए इतने सारे छे चेंजेस है पहला चेंज करे की सोइंग ऑफ अ पीस ऑफ फूड यदि आप लकड़ी के टुकड़े को यदि आप उगाते हो क्या वो रिवर्स हो सकता है तो यहाँ पे आपने देखा लकड़ी का यदि हमारा जो है टुकड़ा यदि उग जाता है तो वो आप जो है उसी पोजिशन में कभी नहीं आएगा तो ये कैसा होगा नोट रिवर्स तो आपने यस और नो लिखना है तो जहां पे हम नो no बोलेंगे पहला ऑप्शन रहेगा हमारा नो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसी में मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी यदि आइस की हमारी कोई टॉफी है और यदि वो मेल्ट हो जाए क्या हम उसको वापस लेके आ सकते हैं अभी बोला ही था यस इट इज रिवर्स तो डिजोलिंग सुगर इन वोटर हमने यहाँ पे भी बोला था कि शुगर को हम वोटर से अलग निकाल सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हायर क्लासेस में तो इसको भी हम अलग कर सकते हैं कुकिंग ऑफ फूड तो एक बार फूड पक गया तो वापस वो कच्चा नहीं होगा तो ये कैसा नॉट रिवर्स नो आएगा तो ये भी क्या रहेगा हमारा नो कच्चा नहीं होगा दोबारा सोरिंग ऑफ मिल्क दूध एक बार खट्टा हो गया तो वापस उसी सेम पोजिशन में नहीं आएगा तो ये थे हमारे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमने तीन किए हैं चौथा हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन फोर कि आपने एक ड्राइंग सीट पे आपने जो एक पिक्चर बनाई देखिए हमने जो एनसीईआरटी बुक में एक एरोप्लेन बनाया था पेपर का और उस एरोप्लेन को बनाने के बाद पेपर पे हमने पेंसिल के साथ ड्रॉ करके कट किया था क्या हम वापस उस पेपर को ऐसे ही लेके आ सकते हैं जब हमने एरोप्लेन उसमें से बना ही लिया है तो इसमें कोई जो है हमारा वापिस कोई चेंज नहीं होगा कलर ऑफ ड्राॅइंग सीट जब हमने एक बार बना दी है तो उसके ऊपर पिक्चर वो पॉसिबल नहीं कि वापिस सेम पेपर हमारा ब्लैंक फॉर्म है और पूरा का पूरा हमारे पास मिल जाए इट इज नॉट रिवर्स क्वेश्चन फाइव के रहे क्या आपने एग्जाम्पल देने हैं डिफरेंस बताने है, अंतर बताने हैं कि वो जो चेंज है क्या वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं रिवर्स तो आप यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल अपने तरफ से दे लीजिए जैसे भी दिया था मैंगो का राइप होना है मिल्क का कर्ड में चेंज होना है मिल्क का चीज में चेंज होना है या हमारा जो है कुकिंग ऑफ फूड है या हमारा जो क्लॉथ है जब हमने फोल्ड किया तो उनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लीजिए और उनमें से बता दीजिए क्या रिवर्स हो सकता है तो रिवर्स वाले एक साइड रख लीजिए नॉट रिवर्स वाले एक साइड जो रिवर्स हो जाएंगे उनको रिवर्सिबल बोलेंगे जो रिवर्स नहीं होंगे वापस परिवर्तन नहीं होंगे तो उनको हम क्या बोल देंगे इरिवर्सिबल जो चेंज हो जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे रिवर्सिबल और जो नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे इरिवर्सिबल तो हमारे एनवायरमेंट में दो ही टाइप के चेंजेस होते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस आ गया रिवर्सिबल चेंज सेकेंड हो जाएगा इ रिवर्सिबल चेंज तो हमने बोला जिसको रिवर्स कर सकते वो रिवर्सिबल रहेगा और जिसको रिवर्स नहीं करेंगे वो इरिवर्सिबल हो जाएगा क्वेश्चन सिक्स कह रहे हैं अथिक कोट ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस देखिए अभी एक्जाम्पल में समझाई था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने जो है यहाँ पे कोट बना दिया है और एक बैंडेज के ऊपर उसको जब बोन फ्रैक्चर हुई हड्डी टूट गई है उसके ऊपर हमने लगा दिया है तो जब वो ड्राई हो जाएगा फ्रैक्चर जो बोन है वो चल नहीं पाएगी उस टाइप से मुड़ेगी नहीं तो क्या पीओपी पी को सेम उसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं जहाँ से हमने उसके पाउडर को पेस्ट बनाया था तो नहीं पाउडर एक बार पेस्ट बन गया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल चेंज हो ही जाएंगी चाहे आप उसका वापस पाउडर बना लो तो वो भी क्या है यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं है तो बिकम हार्ड हो जाएगा बाद में वो सॉफ्ट इतना नहीं होगा जितना ऑलरेडी था क्वेश्चन सेवन कह रहा रहे है कि एक का बैग है वही आ जाएगा प्लास्टर ऑफ की तरह कि सीमेंट का बैग है आपने ड्यूरिंग नाइट पूरी रात आपने बाहर रख दिया है और अगले दिन जब सुबह सनराइज हुआ है यानी सूर्य उगा है उस टाइम पे आपने इसके अंदर क्या कोई चेंज देखा है यदि वो चेंज हो रहा है सीमेंट के अंदर तो क्या वो रिवर्स हो सकता है चेंज तो हमें दिखेगा कि जो हमारी जो सीमेंट का जो हाँ बैग था यानी सीमेंट का जो कट्टा था वो रात भर बाहर रहा था उसने मॉइस्चर को गैट कर लिया नमी पकड़ लिया वो जो है टाइट हो चुकी है दोबारा जब सन आता है तो वो सूख जाएगी बट उसकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेम नहीं होगी इसको हम रिवर्सिबल नहीं करेंगे तो ये सारी जो प्रॉपर्टी जिसमें रिवर्स नहीं होगा केमिकल चेंज वहां पे आ जाएगा जिसकी वजह से वो रिवर्स नहीं होगी जिसमें केवल कोई फिजिकल चेंज आता तो रिवर्सिबल हो सकते हैं सेवन्थ क्लास में आप पढ़ोगे जिसमें नहीं आएगा तो वो क्या रहेगा इ चेंज रहेगा तो ये थे हमारे एनसीआर के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसके बाद हमारे और अदर क्वेश्चन है जिसको हम एमसीक्यूज बोलेंगे तो ये हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो आपने पे टिक करना है जो भी ऑप्शन आपका ठीक होगा उसी को आपने क्या करना है टिक करना पहला क्वेश्चन क्या कहें रिवर्सिबल चेंजेस इज नॉट तो रिवर्सिबल जो चेंज होता है परिवर्तन जो चेंज होता है वो कैसा होता है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर में कोई रिवर्सिबल चेंज नहीं है तो बाकी सभी में क्या है वेट सोयल होना या टोए का जो है बोट का जो है पेपर का बनाना या रोलिंग ऑफ रोटी बनाना डफ से ये सारा क्या रिवर्सिबल चेंज है बट ये नहीं है एक बार फ्लावर जो है खिल गया तो उसके बाद वापस जो है बड़ के फॉर्म में यानी कोपल नहीं बनेगा क्वेश्चन टू चेंजेस इन विच इट इज पॉसिबल टू गेट मेटेरियल बैक आर कॉल्ड यदि किसी भी मेटेरियल के अंदर चेंज हो जाता है यदि उसको बैक ले आए तो वो किस टाइप का चेंज कहलाएगा तो हमने अभी बात ही की थी चेंजेस टू टाइप के जो वापस आ जाए तो क्या रहेगा रिवर्सिबल चेंज तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट क्वेश्चन थर्ड कह रहा है चेंजेस कैन बी रिवर्स आर रहे तो जो चेंज रिवर्स हो जाए उनको हम क्या बोलेंगे ऊपर वाला सेम क्वेश्चन उसी को रिपीट कर मेटेरियल और रिवर्स होना एक ही बात है चेंज का रिवर्स होना रिवर्सिबल ही रहेगा रिवर्सिबल चेंज कौन सा होगा जिसको हम वापस उसी सेम पोजिशन में लेके आए तो चेंजिंग ऑफ आइस इन वाटर बर्फ का पानी में बदलना या भाप का पानी में बदलना है या भाप का जो है वाटर का भाप बनना है या सभी के सभी क्या है पानी भाप में बदल सकता है भाप वापस जो चेंज होके पानी बन सकती है तो ये सारे कैसे हैं एक जैसे ही चेंज है ऑल ऑफ दी अबो कैसे रिवर्सिबल चेंज क्वेश्चन फाइव कह रहे इ रिवर्सिबल यानी अपरिवर्तन आपने मानना है कि जिसमें एक बार हो जाए वापस उसको नहीं लेके आ सकते उस पोजिशन में तो क्वेश्चन फाइवर्सिबल चेंज की बात करें इनमें से कौन सा है तो मिल्क का जो है कर्ड बनना फ्रूट का राइप होना या सीड जो है प्लांट का बनना ये सभी क्या हमारे रिवर्सिबल चेंज वापिस नहीं चेंज होंगे ओरिजिनल पोजिशन में तो ये हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन चले क्वेश्चन नंबर सिक्स रहेगा विच चेंजेस कैन बी कंट्रोल तो कौन सा चेंज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारे हाथ में है वो कौन सा कंट्रोल है फ्रिक्शन यानी जो घर्षण होता है वो हमारे क्या होता है हाथ में होता है यानी कंट्रोल में होता है हमारे नियंत्रण में होता है जबकि डे और नाइट का बनना हमारे कंट्रोल में नहीं है हमारे हाथ में नहीं है कहीं तो हमारे कंट्रोल में नहीं है सीजन का चेंज होना भी हमारे लिए नहीं है सारी कैसी नेचुरल जो फिनोमिना है नेचुरल घटनाएं हैं प्राकृतिक घटनाएं हैं केवल फ्रिक्शन हम जो है अपने हाथ से कर सकते हैं हाथ को रगड़ के ही फ्रिक्शन कर सकते हैं किसी चीज को चला के भी हम क्या कर सकते हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा कर सकते हैं तो इन्होंने बोला था हमारे हाथ में कौन सा हमारे अंडर कंट्रोल कौन सा वो है फ्रिक्शन बाकी सारे नेचर के कंट्रोल में है क्वेश्चन सेवन विच चेंज इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल तो कौन सा हमारा जो चेंज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर ले जो नेचुरल फिनोमिना होगी वो हमारे क्या है तो कंट्रोल में नहीं है कि हम उसको चेंज कर दें तो यहाँ पे सारे ही हमारे कैसे नेचुरल फिनोमिना अभी भी ऊपर पड़ा डे और नाइट का बनना एलेक्स का बनना यानी हमारे जो ग्रहण लगते हैं या हमारा टाइड एंड इब है ये सारा का सारा हमारा ज्वार और बाटा ये सारे कैसे हमारे चेंजेस हमारे कंट्रोल में नहीं है जो हमारे अकॉर्डिंग पॉसिबल हो क्वेश्चन एट कर रहे विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी रिवर्स इनमें से कौन सा है जो वापस पुनः जो है चेंज हो सकता है उसी पोजिशन में तो गीला कपड़ा जब सूखता है तो वापस जो है सूखा हुआ कपड़ा जब गीला होकर वापस सूखता है तो सेम पोजिशन में आता है बाकी जो हमारा एग एक बार बॉइल हो गया बी ऑप्शन बैटर का इडली जो यहाँ पे बन जाता है या रोटी जब आटे से बनाते हैं तो ये वापस चेंज कभी नहीं होती इसलिए ये कैसे नॉट रिवर्स तो हमारा केवल वेट क्लोथ का ड्राई होना ही कैसा है रिवर्स तो क्वेश्चन नाइन कह रहा है चूज दी चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स तो आपने उन चेंजेस को बताना है जो रिवर्स नहीं होंगे कैन नॉट बी रिवर्स तो कैन नॉट की बात की है रिवर्स नहीं होंगे इसमें कैसा था रिवर्स होगा इसमें कैसा था नॉट कंट्रोल इसमें कैसा था कंट्रोल तो ये पॉजिटिव चल रही सारे एक दूसरे के तो चेंजेस जो हमारे अकॉर्डिंग कंट्रोल या रिवर्स नहीं होंगे तो बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक ऑफ ऑफ एस स्प्लिटिंग मिल्क या फिर फ्रिक्शन ऑफ क्लॉथ या आल अबोदी अबो ये सारे हमारे क्या है कैन नॉट बी रिवर्स एक बार हो गया तो वापस उसी पोजिशन में नहीं आएगा ऑल ऑफ डी इज करेक्ट क्वेश्चन नाइन के बाद हमारा टेन है ऑल चेंजेस कैन बी रिवर्स इज तो कौन से जो हमारे चेंजेस है जो रिवर्स होंगे तो उनमें हमने देखना है क्वेश्चन टेन क्या कह रहा है चेंजेस विच कैन बी रिवर्स इनमें से कौन सा चेंजेस जो रिवर्स हो सकता है वापिस उसी अवस्था में आ सकता है तो हमने बोला था जो शुगर है वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाए तो वापिस हम उसको क्या कर सकते हैं शुगर बना सकते हैं वाटर में से फ्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन मेथड से बाकी कोई भी वापस चेंज नहीं होगा क्वेश्चन इलेवन है ये फिगर आपको दिखाया आइस का फिगर है आइस जब हमारी मेल्ट होके वाटर बन रहा है तो ये किस टाइप का चेंज है आइस का जो साइज है वो कैसा हो जाएगा छोटा यानी कैसा है ये इसका आकार का परिवर्तन है फिजिकल चेंज है तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा यहाँ पे भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज हमारा क्या रहेगा राइट रहे। तो ये हमारे क्लास के, के, के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे रिविजन के तौर पर किए हैं सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए लर्न कीजिए और अभी जिसका रिटर्न वर्क रह गया है इन क्वेश्चन का तो वो अपनी जो है नोटबुक के अंदर जो है रिटर्न कर ले जो हमने ऑलरेडी पहले ही क्लास में बोला है यदि अभी भी किसी की नोटबुक कंप्लीट नहीं है तो अब भी वो इन चैप्टर के हम डेली एक एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे और उनके जो है अपनी नोटबुक भी कंप्लीट कर लीजिए और अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को डेली बैठ के घर पे रिवाइज कीजिए लर्न कीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो थैंक यू